Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट एलिज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं मॉल ऑफ मुल्तान में, क्योंकि यहाँ पे आके हम करते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय, लोगों को करते हैं एंटरटेन, और मेरी कोशिश होती है कि आप लोग अपने घर में बैठ के भी उतना ही एंटरटेन हो सकें जितना मैं यहाँ पर आके एंटरटेन होती हूँ। मुख्तलिफ लोग मिलते हैं और उनकी बातें मुख्तलिफ होती हैं और उनसे बात करके बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ अभी एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद अब्बास। जुनेद? हाँ जी, अब्बास। अब्बास, जुनेद अब्बास, आप क्या करते हो? मैं फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हो? क्या काम करते हो प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी में जैसे कि घर बना के सेल कर दिए और घर बेच दिए और आगे पीछे प्लाट किसी को ले दिए, बस यही काम। अच्छा, डीलिंग करते हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज यहाँ पे किसके साथ आए हो? बस ये दोस्त हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है इनका, साफ़ सुथरा माहौल है और काफ़ी इन्जॉयमेंट करके जा रहे हैं, कुछ खा पी के जा रहे हैं और बस। अच्छा, कब से आए हुए थे यहाँ पे? आधा घंटा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। आधे घंटे से आए हुए थे, तो आधे घंटे में क्या क्या कुछ कर लिया? बस जो कुछ देखना था देख लिया। और क्या आपको कुछ देखा? बस देखा बड़ा कुछ है, अब आपको कैसे बताऊँ। अच्छा, खाया क्या है? बस आइसक्रीम खाई है और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अच्छा, कौन सी आइसक्रीम खाई है? बस चॉकलेट फ्लेवर लिया है और कुछ। अच्छा, तो आप मुझे बताओ खाने में और क्या पसंद है? बस खाने में बिरयानी पसंद है, इसके अलावा सिर्फ बिरयानी। हाँ जी बस बिरयानी। रोज़ बिरयानी मिलती रहे? नहीं रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार मिल जाए तो। अच्छा, तो बाहर से कहाँ की बिरयानी खाते हो? मुल्तान में कहाँ की बिरयानी जो है वो आपको पसंद है? मैं 6 नंबर पे बड़ी अच्छी बिरयानी है, तो बस उनसे ज़्यादा। हर हफ्ते खाते हो? नहीं हर हफ्ते तो नहीं, लेकिन सिर्फ हर हफ्ते की रूटीन है, लेकिन हर हफ्ते खाता नहीं हो रहा है। अच्छा, रूटीन है, हफ्ते में एक दफ़ा खा ले। हाँ जी। अच्छा, और आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किसके साथ आए थे? ये दोस्त है मेरे, अगर कहती हूँ तो मैं उनको बुला लेता हूँ। दोस्त से भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूंगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फासला, फालसे का। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फासला, फासले का फासला। फासले का फालसा, फालसे का फालसा। 5 दफ़ा बोलना है, कोई और बता दें। यही है, ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई और दे दें आप, हिंट दे दें, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं बाकी और भी मजीद मुश्किल है, को पता मुझे वो सही हो जाए फिर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फालसे का फालसा या फालसे का फासला, जो भी है। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला, फासले का फासला। बस हो गया 5 दफ़ा हो गया। हाँ जी हो गया। तो गाना सुनाओ। नहीं गाना नहीं आता मुझे। गाना नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं आता। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह। व्यूअर्स, हमारे साथ एक बड़ी क्यूट सी फैमिली मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सामने वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुहेब असगर है। और आप क्या करते हैं? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है, तो मैं वहाँ शॉप है अपनी, वहाँ काम करता हूँ वहाँ पर। और ये मेरा क्यूट सा बेटा है। अच्छा, ये आपका क्यूट सा बेटा है? ये मेरी नन्ही सी जान है, फर्स्ट टाइम आया है और मॉल देखने आया है। कितने महीने का है ये? 7वें महीने में लग रहा है। 7 मंथ्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट है। और आप मुझे बताएं किसके साथ आए हैं यहाँ पे? मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है और मेरे 2 सांडू हैं, यानी कि हम तीनों सांडू हैं, हम तीनों की वाइफ हैं। अच्छा, तो यानी वो बहने हैं? हाँ, वो यानी कि हम तीनों कज़न हैं, उनकी वो आगे बहन है तीनों। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो इन्जॉय कर रहे हैं फिर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, क्या क्या किया है यहाँ पे आके? ऊपर जाकर अभी तो होटलिंग करनी है, खाना है, और अभी तो फिलहाल आए थे तो घर बैठे थे, बोर हो रहे थे, हमने कहा चलो घूम, चलो मॉल चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। जी जी मॉल। अच्छा, और इसके अलावा आपको क्या शौक हैं? जब आपने काम शाम से फ्री होते हैं तो किस तरह से टाइम गुजारते हैं आप? बेसिकली मैं सऊदीया में रहने वाला हूँ। मैं सऊदीया में, मैंने यानी कि 10 साल लगाए हैं, तो सऊदीया से मैं तकरीबन आए को 5-6 साल हुए हैं, तो वहाँ पर मैं करता था इसका गाड़ियों का काम, मैकेनिक इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी वो चेंज हो गई है,
जहाँ महंगाई डबल से ट्रिपल महंगाई। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। नाम क्या रखा है आपने अपने बेटे का? मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, अच्छा ये नाम आपने रखा है या आपकी वाइफ ने रखा है? मेरी वाइफ ने नहीं, मैंने खुद ही रखा है। ये दोनों की, अच्छा वाइफ कौन सा नाम चाह रही थी कि वो रखे? वाइफ चाह रही थी अजहा। अजहर, अजल, फिर लेकिन मुझे ये पसंद था अनस। अनस, अनस का मतलब क्या है? बस ये साहबी का नाम है, कोई साबित है उनका नाम है, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा और बोलने में भी सिंपल सही है। सिंपल, छोटा सा वर्ड है जो आराम से बोल लेते हैं। चले, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? मैसेज यही शेयर करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं इमरान खान के साथ हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, अल्लाह पाक इमरान खान को सेहत दे, और हम चाहें हमारा मेरा लीडर भी इमरान खान। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है? हाँ जी ठीक है। फिट है? हाँ जी फिट। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कोई टेंशन, कोई मसला भी नहीं है? नहीं, खुश है? हाँ जी खुश। चलो माशाल्लाह, क्या करते हो? हम रेडीमेड का काम करते हैं, सना गई, रेडीमेड का काम करते हैं। रेडीमेड कपड़े? हाँ जी कपड़े। ओके, तो आप बताओ कि यहाँ पे किसके साथ आए हो? यहाँ हम भाई के साथ आए हैं। भाई, बड़े भाई? हाँ, ये छोटा भाई है। छोटा भाई है, उसके साथ आए? हाँ जी। तो कितना वक्त हो गया यहाँ पे आए हुए? आधा घंटा हो गया। क्या किया है, क्या करना है? शॉपिंग के लिए आए थे? विंडो शॉपिंग के लिए, सिर्फ घूमने फिरने के लिए या खाने के लिए? विंडो शॉपिंग के लिए आए थे। विंडो शॉपिंग के लिए आए थे। अच्छा, इसके अलावा क्या मसरूफियात होती हैं? जब घर जाते हो तो वक्त किस तरह से गुजारते हो? वक्त तो आपको पता ही है, तेज़ी से गुजरता है। तेज़ी से गुजरता है, लेकिन उस तेज़ी से गुजरने वाले वक्त में क्या करते हो? बस फर्स्ट टाइम सुबह घर पे जाते हैं, घर से काम पे, काम से घर, बस घर से फिर काम। जब फ्री होते हो बिल्कुल, तो फिर क्या करते हो? फिर घर होते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। क्या करते हो? घर होते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो। मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कौन सी एप्लीकेशन है? टिकटॉक। ज़्यादा टिकटॉक ज़्यादा बनाते भी हो? हाँ जी। अच्छा, तो प्राइवेट अकाउंट है या पब्लिक? पब्लिक है। पब्लिक अकाउंट है आपका? अच्छा जी, कितने फॉलोअर्स हो गए? टिकट मेरा ख्याल 6000 तो हो गए। 6000 हो गए, क्या बात है। और क्या टैलेंट है आप में, एक्टिंग कर लेते हो? एक्टिंग वगैरह तो नहीं करते, बस वैसे ही सिंपल से बनाते हैं। सिंपल से बनाते हो, गाना गा लेते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, गाना भी नहीं गाते। तो फिर टिकटॉक बनाने का शौक कैसे? बस सुनते किसको? बस वैसे जो टिकटॉक पे आते हैं गाने वगैरह, उसी वजह से बना लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ लड़कियाँ ज़्यादा चालाक होती हैं या लड़के? लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा चालाक। लड़कियाँ होती हैं? हाँ जी। नहीं तो किसने कहा? गहरी से बात, हमारा काम, हमारी फील्ड है, हमें पता है। आपकी कौन सी फील्ड है, आपका कौन सा काम है कि आप बताते हो? चेहरा पढ़ते हो, हाथ पढ़ते हो? हाँ जी, आप बता देते हो कि कौन ज़्यादा चलाक है? हाँ जी, जहरी से बात है, बता देते हैं हम। वाकई फेस रीडिंग करते हो? मेरा फेस रीड करो। कैसे हो? खुद ही तो बोला, मुझसे पूछ रहे हो कैसे? वो वैसे ही, जैसे कस्टमर आते हैं फिर हमारे पास जब खरीदारी करते हैं। लड़कियाँ कैसे चलाकी दिखाती हैं? चलाकी तो ऐसे ही है, अब जैसे उनके साथ आते हैं, पसंद करते हैं, पसंद करने के बावजूद भी रेट नहीं बनता उनका, भी रेट कम लगाती हैं, इसी तरह से चलाकी करती हैं। चलाकी तो ना हुई ना इसमें कोई? बस यही है। चलो जी ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे? नहीं, मैसेज कुछ। ठीक हो गया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ गारमेंट्स का। अच्छा, अपना अपना बिजनेस? जॉब करता हूँ। आपकी अपनी शॉप? आपने लेंस लगाए हुए हैं या आपका अपना आई कलर है? आई कलर। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आई कलर आप। तो बल्कि ब्लैक है, आपको चेंज लग रहा है? मुझे तो चेंज लग रहा है, ब्लू ब्लू काइंड ऑफ। नहीं, ये ओरिजिनल कलर है। ओरिजिनल कलर है, ओके। तो आप बताओ फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, घर वालों के काम कर देता हूँ। घर वालों के क्या काम करते हो? जो मंगवा देते हैं, दही ला दो, आटा ला दो, चीनी ला दो, धनिया ला दो, यही काम। यही काम है, अच्छा ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताओ, इसके अलावा अपने लिए जब आप खुद टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो तो तब क्या करते हो? फिर दोस्तों के साथ चला जाता हूँ या मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ। मोबाइल यूज़ कर लेते हो फ्री टाइम में? छुट्टी। मोबाइल में सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो? व्हाट्सएप भी होता है यूज़। व्हाट्सएप यूज़ करते हो, अच्छा जी ठीक हो गया। मुझे बताओ लड़कियाँ ज़्यादा चलाक होती हैं या लड़के ज़्यादा चलाक होते हैं? लड़कियाँ। कैसे? हमारा काम है लड़की। क्या काम है?
गारमेंट्स का, हम सारा दिन लड़कियों से ही डील करते हैं। डील करते हो सारा दिन लड़कियों से, तो चलाक कैसे होती हैं, कुछ चलाके बताओ। बहुत चलाक भी होती हैं, बहुत सिर भी खाती हैं लड़कियाँ। चलाक कैसे होती हैं ये तो बताओ। कोई मिसाल दो ना, पता चले। मैं तो कहूँगी लड़के चलाक होते हैं। नहीं, लड़के समझदार होते हैं, लड़के चलाक नहीं होते, लड़कियाँ चलाक होती हैं, लड़के समझदार नहीं होती। एक एग्जांपल दो ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। किस चीज़ का मतलब? कोई भी के जिससे आपको फील हुआ कि लड़कियाँ यार चलाक होती हैं। होती है, मैंने देखा है। अच्छा चलो ठीक है। खाना शाना बनाते हो? आजकल तो लड़के भी ज़रा खाना बनाने में इन हो गए हैं। ऑमलेट बना लेता हूँ। कैसे बनाते हो? हाफ फ्राई। कैसे? जैसे बनता है। कैसे बनता है यही तो पूछ रही हूँ। मतलब उसको घी गरम करके तवे पे उसको फ्राई करने के लिए तोड़ के रख दो, थोड़ी देर होता है वो फ्राई हो जाता है, बस इतना। हाफ फ्राई काम है। चलो ठीक हो गया। तो मॉल में कैसे इंजॉय कर रहे हो? मॉल में आया था भाई के साथ, ये भाई हैं, छुट्टी वाले दिन आज, वैसे इंजॉय करने। ऑफ डेज में अपने लिए वक्त ऐसे निकालते? ऑफ डेज में यही होता है, छुट्टी वाला दिन। ऑफ तो जुम्मे वाले दिन ही होता है, फ्राइडे का। वैसे तो काम पर जॉब पर ही होते हैं। ओके जी ठीक है, थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकद्दस नईम है। मुकद्दस नईम? नईम मुकद्दस, आप क्या करती हो? मैं बीएस डाटा साइंस कर रही हूँ। बीएस डाटा मुश्किल नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे तो सब्जेक्ट का नाम सुन के बड़ा टफ लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी है। अच्छा, मुल्तान से ही हो आप? मुल्तान में ही रहती हो? जी जी बिल्कुल, मैं मुल्तान से ही हूँ। अच्छा जी, और फैमिली के साथ आई हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने कजन और फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। इंजॉय कर रही हैं? जी बहुत। ऐसे क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ शॉपिंग की है और अभी हम ऊपर KFC मील खाने जा रहे हैं और ऐसे इंजॉय हो रहा है। ऐसे इंजॉय, खा पी के, घूम फिर के, शॉपिंग करके? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता? ये तो मुझे भी नहीं पता, कॉमन सेंस का सवाल है ना। ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता? नहीं पता। नहीं पता, अच्छा जी। तो आप फिर मुझे बताओ घर में किस तरह सबक गुजारती हो? मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जाती हूँ और सेकंड टाइम है मेरा सैलून है, मैं वहाँ पर जाती हूँ। सैलून है? जी जी बिल्कुल, मेरा सैलून है, मैं वहाँ पर जाती हूँ और रात के टाइम स्टडी किया मोबाइल। कहाँ है आपका सैलून? मेरा चौक शाहबाद, मुल्तान चौक शाहबाद में मेरा सैलून है। अच्छा ज़बरदस्त, आप इतनी बड़ी हैं? जी मेरी एज 21 है। आपका अपना सैलून है? जी बिल्कुल, अभी बनाया है मैंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कौन कौन सी सर्विसेज फिर आप देती हैं? हर तरह की सर्विस, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, मैनीक्योर, पेडीक्योर, फेशियल, रिबॉन्डिंग, कैराटीन, हर तरह की सर्विस प्रोवाइड होती है वहाँ। अच्छा जी, तो आप हमें ये ज़रा ये बताइए, लगे हाथ हम अपना काम भी कर लेते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, समर्स में हमारी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, तो क्या फिर इसका क्या हल है? आप कोई भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें और अपनी डेली क्लिनजिंग करती रहें मसाज क्रीम से, तो इस तरह हम अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपनी स्किन को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें फ़ेस वॉश करना चाहिए डेली, मैक्सिमम 5 times, तो डेली मतलब मस्ट है कि आपने फ़ेस वॉश ज़रूर करना है। और उसके अलावा क्लीनिंग वगैरह कर। अच्छा, और जो मेकअप हम बहुत ज़्यादा करते हैं रिपीटेडली और डेली होता है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डेली क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो हमें मेकअप कभी भी अपना वाटर से रिमूव नहीं करना चाहिए। पहले हमें वो किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से अपने मेकअप को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद मसाज क्रीम वगैरह लगा कर अच्छी तरह मसाज करना चाहिए फेस का, उसके बाद हमें फिर किसी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना चाहिए। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। क्या मुझे ये बताइए, लड़कियाँ ज़्यादा चलाक होती हैं या लड़के? शायद लड़कियाँ। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ डबल फेस होती हैं, लड़कों का ज़्यादातर होता है कि जो दिल में होता है वो मुंह पे कह देते हैं। वैसे आपने वाकई बिल्कुल सही बात की है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी उससे वापस आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है।
बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा, सायरा क्या करती हैं आप? मैं फ़िलहाल जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, तो इसके अलावा साथ साथ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, जॉब के साथ कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं है हमारी, बस जॉब जॉब एंड जॉब। बिल्कुल जॉब। तो घर आके फिर किस तरह से रिलैक्स करती हैं अपने आप को, अपने माइंड को? बस रिलैक्स क्या, हम लोगों की जो ड्यूटी है वो 11 घंटे की होती है, सुबह जाना शाम को आ जाना, उसके बाद बस अभी फ़िलहाल जॉब जॉब चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं चल रहा, अच्छा। तो फिर आज यहाँ किसके साथ आई हैं? आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, आज फ्राइडे हमारा ऑफ होता है तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। आज आपने कहा थोड़ा फैमिली के साथ भी इंजॉय कर लिया जाए, टाइम स्पेंड कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे है। मतलब 11 घंटे की ड्यूटी होती है, तो फिर फैमिली को किस तरह से टाइम देती हैं? अभी फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सही चल रहा है, और फ्राइडे को हमारा ऑफ होता है तो फैमिली को टाइम दे देते हैं। फ्राइडे एक फैमिली के लिए टाइम और डे फिक्स किया हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, तो खाना भी बना लेती हैं फिर? मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं बाइक भी ड्राइव कर लेती हूँ, मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो खुद अपनी बाइक पे ही जाती हूँ। ज़बरदस्त, क्या बात है। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे खुद बड़ा मोटिवेट करती है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी एक्टिव रहे। अब आप माशाल्लाह से खुद से बाइक चला कर जाती हैं, तो दिस इज़ रियली रियली गुड कि आप अपने आप को इतना मोटिवेट खुद ही करती हैं। तो कैसे मोटिवेशन मिली ये? बस फैमिली की तरफ से, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, बाइक के लिए, जॉब के लिए। वैसे भी माशा से सारे घर के काम वगैरह खुद सब कुछ करना होता है, घर का लंच बना के सुबह जाती हूँ और रात में आते हैं तो सब कुछ ठीक है, वेल एंड गुड है। अच्छा, घर का लंच भी खुद ही बना के सुबह जाती? बिल्कुल। बड़ी टफ, फिर एक तो आपकी जॉब इतनी टफ है, फिर घर का भी सारा काम करना, तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को फिर फिट कैसे रखती हैं? बस अपने आप को फिट, 11 घंटे की हम लोग की ड्यूटी है, मैं KK मार्ट पे जॉब करती हूँ, तो वहाँ के हम लोगों का ना सिर्फ 8-10 घंटे सिर्फ खड़े रहने की ड्यूटी है, तो बस उसी। खाना पीना कैसे होता है? सारा अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, खाना पीना का वहाँ से सब कुछ सही है। अच्छा जी, ठीक है। सवाल कर रही हूँ आपसे, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकते? वैसे तो फिलहाल खजूर का दरख्त है जहाँ पर इंसान नहीं चढ़ सकता। खजूर का दरख्त, उस पर फिर भी चढ़ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता चले, कोई बात नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? थैंक यू। बस ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम क्या है आप? मेरा हाफिज़ वकास अहमद नाम है मेरा जी। हाफिज़ वकास अहमद साहब, आप क्या करते हैं? मैं एयर कंडीशनर की फील्ड से ताल्लुक़ है, ये इंजीनियर हूँ और ठेकेदारी निज़ाम में। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा जब घर आते हैं तो क्या करते हैं? फिर ये हमें जो है ना नहीं छोड़ते बच्चे। हाँ जी, बच्चे। अच्छा चले, आप मुझे आज हमारा ऑफ था तो सोचा बच्चों को जो है ना ज़रा आउटिंग के लिए ले आए, तो ये ज़रा प्लेस अच्छी थी तो इसलिए बच्चों को यहाँ। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताइए कि लड़कियाँ ज़्यादा चालाक होती हैं या लड़के? आजकल के दौर में तो लड़कियाँ ही ज़्यादा चालाक होती हैं। लड़कियाँ? जी लड़कियाँ। तो क्यों, आजकल के दौर में ऐसा क्या होता है कि लड़कियाँ ज़्यादा चालाक होती हैं? बस वो सुकून नहीं करने देती घर में। कैसे? बस चलें जी, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान नहीं है, तो जिनका ये लगता है। आप अपनी वाइफ के बारे में कह रहे हैं? वो सामने ही पीछे ही खड़ी है वो। अच्छा, डर नहीं लगता आपको अपनी बीवी से? नहीं, डर तो नहीं लगता। डर नहीं लगता, लव मैरिज है इसलिए उसमें क्या डर। अच्छा माशाल्लाह, तो कब, कितने साल पहले शादी हुई? हमारी 3 साल पहले शादी हुई। अच्छा माशाल्लाह, तो फिर आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मशवरा देते हैं शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? जी जी ज़रूर, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है और लव मैरिज वाला है तो ज़रूर जो है ना आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब दीजिएगा, ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता? सारे दरख्त हैं, अक्ल के साथ जो है ना इंसान आसमान पर भी चले। तो ये कैसा दरख्त है? वो खज्जी जिसे कहते हैं मेरे ख्याल में, शायद उस पर नहीं चढ़ सकते। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी मिसेज बता सकेंगी क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट। इंटेलिजेंट? हाँ जी जी। हम आपके मिसेज से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा महनूर। महनूर, महनूर आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आपके हस्बैंड बता रहे थे कि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं? मतलब थोड़ी स्टडी की हुई है, कंप्लीट नहीं की। कंप्लीट नहीं कर सकी थी, क्यों नहीं कर सकी थी? शादी हो गई। शादी हो गई, चले माशाल्लाह, जो किस्मत में फैसले अल्लाह ताला की तरफ से लिखे होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। हाँ जी।
और आप बताइए, एक सवाल करती हूँ आपसे जो कि आपके हस्बैंड ने कहा कि आप जवाब देंगी, ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकते? दरख्त पर इंसान नहीं चढ़ सकता, कौन ऐसा दरख्त है? पता चले, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए लड़कियाँ ज़्यादा चालाक होती हैं या लड़के? शायद लड़कियाँ। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ डबल फेस होती हैं, लड़कों का ज़्यादातर होता है कि जो दिल में होता है वो मुंह पे कह देते हैं। वैसे आपने वाकई बिल्कुल सही बात की है कि लड़के जो होते हैं बड़े कम होते हैं, लेकिन बड़े कम होते हैं जो ड्यूअलिटी होती है जिनमें, जो डबल फेस्ड होते हैं, लेकिन लड़कियाँ वैसे वाकई ज़्यादा होती हैं। अभी जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी वो ये सोच रही होंगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। हाँ जी। अच्छा, ये आपका बेटा है? ये बेटी है। बेटी है, माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया इसे? ये 2 मंथ्स की है। 2 मंथ्स, माशाल्लाह, बहुत क्यूट है। थैंक यू। घर में किस तरह से टाइम स्पेंड करती हैं? घर में बच्चों के साथ, इनके साथ, बच्चों के साथ, पता ही नहीं चलता। तो आपको आपके हस्बैंड में ऐसी कौन सी अच्छी आदतें लगती हैं, मुझे 2 आदतें बताइए। केयरिंग है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, केयरिंग है। आप बताइए, आपको अपनी वाइफ में कौन सी अच्छी आदतें लगती हैं? बस ये जो है ना, सोने नहीं देती, बाकी सब इसकी बातें जो है ना। सोने क्यों नहीं देती हैं? ये बहुत ज़्यादा सोते हैं, सारा दिन आप सुला देंगे सोते रहेंगे, है ना। वो तो फिर बीवी तो जाहिर सी बात है ना, तंग आएंगी, लेजी हैं आप, लेजी हैं। हाँ जी। अच्छा जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज यही, हैप्पी हैप्पी रहें, खुश रहें, एक एक जिंदगी है, अच्छी तरह गुजार लें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बड़ी क्यूट सी प्यारी सी फैमिली मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फयाज हुसैन। फयाज हुसैन, आप क्या करते हैं? मैं गल्ला मंडी में होते हैं, बिजनेस करते हैं। आपका अपना बिजनेस? जी जी। आज फैमिली के साथ घूमने फिरने का आपने प्लान बना लिया? जी जी। मुल्तान से ही बिलोंग करते हैं? मुल्तान से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, तो इनकी मदर किधर है? मदर इनकी घर में है, वो किचन में वो कर रही है। क्यों मामा को साथ नहीं लेके आए आप लोग? बेसिकली लेके आना था, उन्होंने खुद मना कर दिया था, हमने कहा था, उनको बहुत फोर्स करा था कि आप आ जाए, उन्होंने वो खुद नहीं आए। अच्छा, वो नहीं आई। तो आपकी शादी कब हुई थी? 2006 में हुई थी। 2006 में, बड़ा लंबा अरसा, यानी 16-17 साल हो चुके हैं। जी जी, माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं, जब आपकी वाइफ और आपकी लड़ाई होती है तो आप किस तरह से मनाते हैं उन्हें? बस वो कोई ना कोई फूल वगैरह ला के दे देते हैं उनको। ला के दे? हाँ जी, हाँ जी। सो स्वीट। ओके, तो आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आप सबसे बड़े भाई हो? जी। अच्छा, तो कैसे ख्याल रखते हो बहनों का? जैसे आम लोग रखते हैं वैसे। कैसे? बहनों से लड़ते तो नहीं है? लड़ते हो? तंग जो करती हैं। कैसे तंग करती हैं? कभी कोई तंग शरारते करती, कोई शरारते करती। सबसे ज़्यादा प्यार किस बहन भाई में से किससे है? सबसे बड़ी वाली से। बड़ी वाली कौन है? वो वाली। सबसे बड़ी वाली से सबसे ज़्यादा प्यार है? हाँ जी। चलो, वो समझदार होंगी ना, ज़रा लड़ाई नहीं होती होगी। हाँ जी। अच्छा जी, आप क्या करते हो? मैं बेसिकली स्कूल में हूँ। स्कूल में पढ़ते हो? क्लास 7, हमारे पेपर हो रहे हैं, अब 8 में प्रमोट होंगे। अच्छा, 8 क्लास में प्रमोट हो जाओगे। और क्या प्लान्स हैं आपने, इन फ्यूचर क्या करना है, क्या सोचा है? बिजनेस, ब्रांड खोलना। ब्रांड, अपना आउटलेट? यस। ज़बरदस्त, ठीक हो गया, सुनाओगे क्या हमें? नथिंग, कुछ भी नहीं। सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दोगे आप। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकते? लेमन? नहीं। अंगूर का? अंगूर नहीं। चले, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हैं? यस। बाल किसने आपके रखे हैं ऐसे? ये मैंने खुद लिखे हैं। शौक है आपको ऐसे बाल आंखों पे आ रहे हैं? यस। Yes. अच्छा, तो बड़े प्यारे लग रहे हो आप। आपको आपने देखा अपने आपको मिरर में? यस। Yes. कैसे लग रहे थे? अच्छे। अच्छा लग रहे थे। अच्छा जी, तो क्या आप किस क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 क्लास में पढ़ते हो, क्या बनना है बड़े हो के? इंजीनियर। वाह, इंजीनियर बनोगे? इंजीनियर्स क्या करते हैं?
पुलिस पुलिसमैन भी बन जाओगे? पुलिस क्या करती है? चोरों को पकड़ती है। ओ, आप चोरों को पकड़ोगे, चलो वेरी गुड। पोइम सुना दो कोई। कौन सी पोइम सुनाओगे? भूल गई। भूल गए? कौन सी पोइम? जॉनी जॉनी आती है। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइज नो पापा ओपन योर माउथ या हा हा। ओके, कोई और पोइम आती है? नो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? फलवशा फयाज। फलवशा फयाज। फलवशा, फलवशा नाम तो बड़ा प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? फाइव। फाइव क्लास में पढ़ती हो। घर में किसकी लाडली हो? अब्बू की। अच्छा जी, बेटियाँ वैसे भी ज़्यादा वालिद की लाडली होती हैं। आप किस क्लास में पढ़ती हो? फाइव। फाइव क्लास में पढ़ती हो। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा जी, तो आप मुझे क्या सुनाओगी? नथिंग। हाँ, नथिंग क्यों, कुछ तो सुनाओ। अच्छा, ये सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किसने लेके दिया? ये मेरी आंटी के हस्बैंड है ना, उनकी दुकान। अच्छा, तो वहाँ से लिया है? यस। अच्छा जी, ये आपकी बड़ी बहन है? कजन। कजन है, तो इससे बनती है? यस। आपका क्या नाम है? फारिया यास। फारिया यास। फारिया, फारिया नाम बड़ा प्यारा है, आप सबके नाम बड़े प्यारे हैं। फारिया, आपका नाम किसने रखा था? मेरी खाला ने। खाला ने रखा था, तो आप आपकी ये खाला की बेटी है? दूसरी भी और खाला की बेटी है ये लेकिन ये भी खाला की बेटी है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। और आपने क्या बनना है बड़े होके? पायलट। पायलट, यस। अच्छा जी, तो हमें क्या सुनाओगी? It's up to you. अच्छा, तो आप कोई गाना सुना दो। पोएम आती है? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above a tower so high, like a diamond in the sky. Okay, अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, लड़कियां ज़्यादा चलाक होती हैं या लड़के? बेसिक लड़कियां होती हैं। क्यों? दिमाग इतना तेज चलता है, पढ़ाई में उनका दिमाग तेज चलता है, शरारतों में उनका दिमाग तेज चलता है, बातों में जुबान पे ज़्यादा तक दिमाग तेज चलता है। तेज वही होती है, हम तो शरीफ होते हैं। अंकल, आप क्या कहते हैं? बिजनेस करता हूँ मैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या कहना है आपका? किस बारे में? लड़कियाँ ज़्यादा चलाक होती हैं या लड़के? लड़कियाँ तो होती हैं चलाक। लड़के? लड़के बेचारे सीधे होते हैं। चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया बात करके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े क्यूट हो। थैंक यू। क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स क्लास में पढ़ते हो, आप पे तो ग्लासेस बड़ी सूट कर रही हैं। थैंक यू। आपको खुद को लगती हैं अच्छी? हाँ। क्या बनोगे बड़े होके? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनोगे? पापा बिजनेसमैन है? नहीं, वो उनकी क्या कहते हैं, डीजी खान में जॉब है। अच्छा, तो आप फिर मिस करते हो उन्हें? हाँ। पापा को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहना चाहूँगा। क्या? कि बस जल्दी आ जाए। आप पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो? हाँ। वक्त हो चुका है व्यूवर्स एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप, और मैं अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ एक फैमिली, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बहुत ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नौशेर अली। नौशेर अली। नौशेर अली, क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है आपका, किसने रखा है? बाबा ने रखा है मेरा नाम। बाबा ने? जी।
ओके, बाबा क्या करते हैं आपके? वो एडिशनल कमिश्नर है। अच्छा, तो यहाँ होते हैं मुल्तान में? नहीं, वो डीजी खान में होते हैं। डीजी खान में होते हैं, तो फिर आप उनको मिस करते हो? जी, वो वीकेंड्स को आते हैं यहाँ पे। वीकेंड्स पे आते हैं, ओके। तो आप बताओ, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ। फोर्थ क्लास में, आपने क्या बनना है बड़े होके? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? ऑफिसर, ऑफिसर, यस। अच्छा जी, तो अब बताओ मुझे, फिर आप जब फ्री होते हो घर में, टाइम आपके पास फ्री होता है, तो क्या करते हो? मैं जा कभी कभी टीवी देख लेता हूँ जब नेट होता है, या मैं फुटबॉल खेलने ले जाता हूँ। फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल किसके साथ खेलते हो? कजन्स के साथ खेलते हो, दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ ज़्यादा। ज़्यादा दोस्तों के साथ। अच्छे प्लेयर हो या नहीं, या एवरेज प्लेयर हो? बस एवरेज प्लेयर। ओके, तो आप बताओ मुझे कि मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं आपके बाबा? ये तो नहीं मैं कह सकता। नहीं कह सकते, दोनों अच्छे हैं। हाँ। प्यार कितना करते हैं दोनों? बाबा बोले इक्वल। हाँ। चलो आहिस्ता कान में बता दो, कौन ज़्यादा करता है प्यार? बाबा। बाबा ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ। अच्छा जी, तो मुझे क्या सुनाओगे आप? गाना? मेरे पास कोई पोएम ही नहीं है। ओह, कोई पोएम ही नहीं है आपके पास सुनाने के लिए? व्हील्स ऑन द बस वाली आती है? व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल अराउंड द टाउन। चलो जी, ये साथ कौन है आपके? बहन, बड़ी बहन है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राहिमी। राहिम? राहिमी। राहिमी, ओके। तो आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं फाइव क्लास में। फाइव क्लास में पढ़ती हो। आपने क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं आपके इन फ्यूचर? अभी मेरे पास इससे प्लान्स नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने का है। अच्छा, चलो एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे बताना कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकते? रेडवुड ट्री? नो। चले कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, आपको तंग करता है? जी ना, काफ़ी तंग करता है। काफ़ी तंग करता है, कैसे? तब मैं बैठी होती हूँ, जाके तंग करने लग जाता है। शरारतें करते हो आप? शरारती बच्चे हो? नहीं नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? मंजर अब्बास। मंजर अब्बास, आप क्या करते हो? प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ मैम। क्या जॉब कर? क्लर्क वहाँ पे मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साथ साथ स्टडी कंप्लीट हो गई है या साथ साथ कंटिन्यू है? कंटिन्यू है मैम। क्या कर रहे हो? मैं बी कॉम कर रहा हूँ। कॉम कर रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि लड़कियाँ ज़्यादा चलाक होती हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़कियाँ। नहीं, यकीन के साथ क्यों कहते हैं कि लड़कियाँ? मैम रीजंस हैं कुछ। क्या रीजन? ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता। अच्छा चले, तो हमें क्या सुनाएंगे आप? आपको एक गज़ल सुनाने लगा हूँ मैम। सुनाइए। ओके मैम। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। बात है, आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। कब से गा रहे हो? मैम मैं सिक्स क्लास से। मैम
सिक्स क्लास से, तो कोई प्लेटफॉर्म मिला है, कभी स्टेज पे गाया है? जी मैम, स्टेज पे गाया है। वैसे मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल भी है, ज़बरदस्त। सिंगर भी हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ। गिटारिस्ट भी हो आप, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो दोस्तों के साथ तो महफिल में जैमिंग शामिंग चलती रहती है मैम? ज़रूर, मुल्तान में तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म कर रहा हूँ। परफॉर्म कर रहे हो, ज़बरदस्त। तो आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है साथ साथ। जी ज़रूर मैम। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मदनी रमज़ान है। और आप क्या करते हो? मैं बीएस बॉटनी कर रहा हूँ इधर बीजेडयू से। ओके, तो क्या प्लान्स हैं फिर? बीएस बॉटनी का क्या स्कोप है? बॉटनी के बाद पीपीएससी की तैयारी करेंगे और कहीं लेक्चरर वगैरह। अच्छा, तो लेक्चरारशिप की तरफ जाना है। जी ओके, तो आप मुझे बताओ, लड़कियाँ ज़्यादा चलाक होती हैं या लड़के ज़्यादा चलाक होते हैं? लड़कियाँ चलाक होती हैं ज़्यादा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर कि कोई इंसान नहीं चढ़ सकता? ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता? पीपल का? नहीं पता नहीं, मेरे मुताबिक तो सब पे चढ़ सकता है, बस चढ़ने वाला हो। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं बीएस बॉटनी कर रहा हूं। बॉटनी के अलावा घर में जब फ्री होते हो तब क्या करते हो? सोता हूँ, टिकटॉक चलाता हूँ, सोशल मीडिया बस। अच्छा चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? नहीं, कोई सुनाना चाहो? हां सुनाना चाहूंगा। क्या सुनाना चाहो? सॉन्ग सुनाऊंगा। सुनाओ। ए दिल बता, जाने क्यों इस मर्तबा, तूने मुझे ये क्यों दे दिया? ए दिल बता, जाने क्यों इस मर्तबा, तूने मुझे ये क्यों दे दिया? समझाया तुझे कितना, फिर भी सुनी तूने बस अपने मन की। बदमाशियां हैं ये मेरे इश्क की। ए दिल बता, जाने क्यों हैरत भरा, तूने मुझे है यूं कर दिया। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाह जमान। और क्या करते हो? मैं बीएस बॉटनी कर रहा हूँ। और आपका नाम? अली हमजा। और आप क्या करते हैं? मैं भी बीएस बॉटनी क्लास फेलो। क्लास फेलोज हैं सारे? क्लास दोस्त भी हैं? दोस्त भी हैं, पक्के वाले। पक्के वाले दोस्त। ओके, तो किस तरह से फिर टाइम स्पेंड करते हो? कोई एक फटाफट से मुझे एक आप मेमोरी बता दो जो अनफॉरगेटेबल हो आप लोगों की। हम वैसे तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन रात के 3-3 बजे मेरा भाई मुझे खाने के लिए बुलाता है, तो अपनी नींद छोड़ के हम लोग भागते हैं। अभी पहले इसको भूख लगी, इसको कुछ करते हैं। और अगर किसी की जीएफ भी हो तो उसकी कॉल चल रही हो, वो कहते हैं नहीं जाना नहीं जाना, तो हम कहते हैं नहीं, पहले भाई हमारा है। अच्छा, तो आप बताओ कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आप भूल नहीं सकते? मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, बस क्लास में जो टाइम गुजरता है ना इनके साथ, वो कभी भूलूंगा नहीं पूरी ज़िंदगी में। ऐसे क्लास फेलोज आज तक नहीं देखे। आते रहते हैं सारा दिन, ये पूरी क्लास को साते हैं। तो मतलब देखें ना, सर टीचर अगर कोई आ जाता है लेक्चर देने, तो हमें याद नहीं पड़ता हमने कभी एक घंटे का लेक्चर हमने लिया हो। हम बैक बेंचर हैं और फेमस हैं पूरे डिपार्टमेंट, तो हम लोग आपस में गप्पे लगाते, देखो फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर, मतलब पूरी क्लास का जो निज़ाम चल रहा है वो हमें पता होता है, हमें पता होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। अगर पूछ लेना टीचर के क्या पढ़ा रहा हूँ, तो हम एक दूसरे पर ऐसे छुट्टे मारते हैं। हाँ, हम कहते हैं यार क्या पढ़ा रहे थे सर, क्या पढ़ा रहे थे। अच्छा चलें जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनाना तो नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैसेज यही है कि भाई बॉटनी जो भी कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा बॉटनी वाली साइड ना आए, बड़ी मुश्किल है और स्कोप बहुत कम है इसका। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है बहुत इंजॉय किया होगा आपने, मज़ा आया होगा आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम में हमने ये सवाल शामिल किया था कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकते, तो वो है केले का दरख्त जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकते। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह नए लोगों के साथ नए नए सवालों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।